सब्सक्राइब करें आना टेक शॉप LLP चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो मैं नरेश सिंह आना टेक शॉप LLP टेली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नया मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ईमेल वाउचर। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है दोस्तों कि ये ऑटो ईमेल जाएगा आपका CLinvoice हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे रिसिप्ट हो, सेल ऑर्डर परचेज हो, कोई भी वाउचर टाइप हो आपका ऑटो जाएगा। जैसे ही आप इनवाइस को सेव करोगे दोस्तों ऑटोमेटिक ईमेल जाएगा। पहले क्या होता है दोस्तों, आप टैली में क्या करते हो, कोई भी इनवाइस बनाने के बाद आप मैन्युअली या तो मेल करते हो या एक्सपोर्ट करके आप ईमेल में अटैच करके मेल करते हो। इसके लिए हमने ये प्रॉब्लम को देखते हुए इस मॉड्यूल को हमने डेवलप किया है। इस मॉड्यूल में दोस्तों ऑटोमेटिक आप जैसे ही इनवाइस सेव करेंगे ऑटोमेटिक आपको ईमेल के लिए पॉपअप करेगा यस या नो, ईमेल करना है या नहीं। आप जैसे यस करोगे ये ऑटोमेटिकली ये आपकी इनवाइस मेल हो जाएंगे डायरेक्ट क्लाइंट के ईमेल आईडी पे। ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा दोस्तों, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम दोस्तों मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक देखने के बाद तो प्लीज लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे ये मॉड्यूल वर्क करता है। सबसे पहले दोस्तों मैं टैली में जाऊंगा। टैली में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये एक मॉड्यूल लोडेड कर दिया है जिसमें ऑटो ईमेलिंग का ऑप्शन है। तो लोडेड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप F11 में जाएंगे। F11 में दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है एडऑन फीचर, एडऑन फीचर में एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इनेबल ऑटो ईमेलिंग, यही ऑप्शन शो करेगा आपको। यहाँ पे नो होगा, यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद सेव कर लेना है। सेव करके आप बाहर आएंगे, आपको गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप के अंदर अल्टर में जाना है। अब इसमें जितने भी वाउचर टाइप है दोस्तों सब में आपको ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि मैं सेल पे देख लिया, मैंने ऑलरेडी यस कर रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ईमेल आफ्टर सेविंग वाउचर, ये ऑटोमेटिक नो रहेगा जैसे ही लोड करेंगे, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आप इसको सेव कर लोगे। यहाँ पे यस कर दिया मैंने, सेव कर लिया। ऐसे ही दोस्तों पेमेंट, यहाँ पे भी देखिए यस मैंने कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे नो होगा तो आप इसको भी यस कर लेना, यस करके आप इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे यस करके सेव। ऐसे ही रिसिप्ट पे दोस्तों करना है, रिसिप्ट रिसिप्ट यहाँ पे रिसिप्ट का ऑप्शन है, रिसिप्ट पे भी वाउचर टाइप में जाएंगे। यहाँ पे भी ईमेल आफ्टर सेविंग वाउचर नो होगा, इसको भी यस कर। जो जो वाउचर टाइप में आपको ऑटो ईमेलिंग की जरूरत है आप यस करेंगे, जिस वाउचर टाइप में दोस्तों आपको जरूरत नहीं है ऑटो ईमेलिंग की तो आप उसको नो ही रहने दीजिए। स्केप करके बाहर आएंगे। सेकंड आप गेटवे ऑफ टैली पे सेकंड क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा दोस्तों ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करेंगे किस मेल आईडी से आपका ऑटो ईमेलिंग जाए। जैसे कि मैंने जीमेल पे दे रखा है अपना जीमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर आपका हॉटमेल है, याहू है या अदर वेबसाइट का है तो आप यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको पता होगा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। जीमेल में तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आप जीमेल पे एंटर करेंगे, यहाँ पे कंपनी नेम ऑटो आपका आ जाएगा और यहाँ पे ईमेल आईडी आप डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल के सेव कर दीजिए। पासवर्ड डाल के सेव करने के बाद यस कर दीजिए। जैसे पासवर्ड सेव हो जाएगा, पासवर्ड सेव के होने के बाद आप यहाँ पे कोई भी वाउचर क्रिएट कर लीजिए, या ऑलरेडी मैं आपको क्रिएट कर रखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये इनवाइस बना रखा है, यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे आप इनवाइस को कोई भी इनवाइस क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद जैसे सेव करेंगे यहाँ पे पास आपको एक ऑप्शन पूछेगा, देखिए यस किया। जैसे इनवाइस आपने सेव किया, इस इनवाइस सेव करने के बाद एक पॉपअप आ गया, देखिए वाउचर ईमेल। यहाँ पे आपने इस पार्टी के लेजर में ऑलरेडी अगर ईमेल आईडी आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है तो ऑटोमेटिक ये ईमेल आईडी आएगा। और आपको सीसी करना है किसी को तो सीसी भी कर सकते हो। सीसी करने के लिए आपको बैक स्पेस करना है, एंटर। एंटर करने के बाद सपोज मैं अपने आपको खुद को मेल कर लेता हूँ इस इनवाइस को, यहाँ पे अपनी मेल आईडी मैंने डाल दी, एंटर। कुछ लिखना है आप लिख सकते हो, यस।
ये सी ऑटोमेटिक ये वाउचर मेल हो गया। मैं मेल चेक कर लेता हूँ एक बार दोस्तों, ये मेल आ गया है कि नहीं आ गया है। अभी मेल नहीं आया, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इस तरीके से देखें दोस्तों, यहाँ पे ये मेल आ गया अन्ना टैक्स ऑफ LLP टैक्स इनवाइस, यहाँ पे एंटर करेंगे हम। एंटर करने पे आपको ये अटैचमेंट जो भी आपका इनवाइस का हो, अटैचमेंट PDF भी दिख जाएगा। इस तरीके से ऑटो ईमेलिंग कस्टमर को ऑटोमेटिक, आप जैसे इनवाइस सेव होगा ऑटोमेटिक उसको इनवाइस चला जाएगा सेव। इस तरीके से यहाँ इनवाइस आपको देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है CC में भी गया है, CC में मैं हूँ और 2 में क्लाइंट को डायरेक्टली चला गया है मेल। इस तरीके से आप ऑटो ईमेलिंग का दोस्तों यूज कर सकते हैं, चाहे पेमेंट पे हो चाहे रिसिप्ट पे हो, ऑटोमेटिक इनवाइस पे जब भी जैसे ही आप सेव करेंगे ये पॉपअप आपको इस तरीके से शो करेगा दोस्तों। अगर ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ये मॉड्यूल अच्छा लगा है तो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ आप सजेशन दीजिएगा। और अगर ये परचेज़ करना है तो बहुत ही स्मॉल ये अमाउंट है आपको परचेज़ करना है, जो कि आपको थंबनेल में भी कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे रखा है। अगर आपको बाय करना है तो आप ये मॉड्यूल बाय कर सकते हो दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।